हिंदी में क्या बोलेंगे मैं काम पे जाना चाहता हूँ मैं थक गया हूँ ऐसा नहीं बोलते हम उसको जोड़ देते हैं एक शब्द से वो शब्द क्या है लेकिन मैं काम पर जाना चाहता हूँ लेकिन मैं थक गया हूँ आई वॉन्ट टू गो फॉर वर्क आई वॉन्ट टू गो फॉर वर्क बट आई एम टायर्ड बट दैट बट इज इम्पॉर्टेंट दैट कनेक्टर इज इम्पॉर्टेंट दैट कंजंक्शन इज इंपॉर्टेंट और दोनों ही क्या है दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं दोनों ही सेंटेंस के अपने मीनिंग पूरे हैं दोनों सेंटेंस को अलग अलग हम बोलें तो अपना पूरा पर्याप्त मीनिंग देते हैं और जोड़ने के बाद और ज्यादा उसका अर्थ निकलता है कंपाउंड सेंटेंस थर्ड एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, आई एल किल यू और यू किल मी मैं तुम्हें मार दूंगा या तुम मुझे मार दोगे आई विल किल यू और यू विल किल मी यदि और को हटा दें, चलिए पढ़ते हैं आई विल किल यू यू विल किल मी कैसा लग रहा कुछ कौन क्या बोलना चाह रहा है किस परिप्रेक्ष्य में किस संबंध में स्पष्ट नहीं हो रहा मैं तुम्हें मार दूंगा तुम मुझे मार दोगे कुछ अर्थ निकल रहा है पर दोनों को अलग अलग पढ़िए मैं तुम्हें मार दूंगा सही है तुम मुझे मार दोगे यह भी सही है दोनों को जोड़ें, तो देखिए कंप्लीट सेंटेंस लगेगा आई विल किल यू और यू विल किल मी मैं तुम्हें मार दूंगा या तुम मुझे मार दोगे तो दैट और इज वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड सेंटेंस आई एम सिटिंग एंड ही आई एम सिटिंग ही इज सिंगिंग आई एम सिटिंग ही इज सिंगिंग दोनों स्वयं में इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं दोनों पूरे हैं दोनों का अर्थ पूरा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि एक वाक्य का दूसरे से क्या संबंध है एक ने कहा आई एम सिंगिंग दूसरे ने कहा आई एम सिटिंग तो क्या कुछ पर कहना क्या चाह रहे हैं कहना चाह रहे हैं ये तब स्पष्ट होगा जब बीच का कनेक्टर ठीक हो जब बीच में सबॉर्डिनेट सेंटेंस से उसको जो सबॉर्डिनेट वर्ड से जोड़ दिया जाए आई एम सिटिंग एंड ही इज सिंगिंग मैं बैठा हूँ और वो गा रहा है आपके पास फोन आता है मम्मी का क्या कर रहे हो बेटा मम्मी मैं बैठा हुआ हूँ और बहन क्या कर रही है मम्मी वो गाना गा रही हो ये तो दोनों आपने अलग से कर दिया अब माँ यदि पूछते हैं कि तुम दोनों क्या कर रहे हो बेटा मम्मी मैं बैठा हुआ हूं और वो गाना गा रही हो और वो एंड शी इज सिंगिंग तो ये हो गया आपका कंपाउंड सेंटेंस का एग्जाम्पल नाउ लेट्स कम टू द लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस कॉम्प्लेक्स वंस कॉम्प्लेक्स वंस में क्या होता है ऑल दो ही वॉज वेल्थी

यद्यपि और स्टिल मतलब क्या है हम ऑल दो ही वॉज वेल्थी स्टिल ही वॉज अनहैप्पी ऑल दो मैंने हो गया यद्यपि स्टिल मतलब क्या है एक तो स्टिल होता है रुका हुआ एक स्टिल का अर्थ होता है रुका हुआ स्टिल वाटर रुका हुआ पानी स्टिल वाटर इज डेंजरस स्टिल वाटर इज डेंजरस खतरनाक होता है रुका हुआ पानी क्या मतलब हुआ बहुत मच्छर कीड़े कीटाणु बैक्टीरिया रुका हुआ पानी से पैदा होते हैं बहुत ही बीमारियां। और ऐसे ही स्टिल वाटर खतरनाक और कब होता है जब नदी की गहराई बहुत ज़्यादा हो तालाब की गहराई बहुत ज्यादा हो तब पानी थमा हुआ रहता है तब पानी थमा हुआ रहता है। तो वो स्टिल मतलब रुका हुआ लेकिन यहां के स्टिल का क्या अर्थ है यहां स्टिल का अर्थ है कल्पना करिए चलिए हम अभी अर्थ नहीं बताते हम पढ़ते हैं ऑल दो ही वॉज वेल्थी कॉमा स्पेस ही वॉज अनहैप्पी क्या बोलना चाह रहे हैं हम अच्छा ऑल दो को भी आप भूल जाइए ही वॉज वेल्थी ही वॉज अनहैप्पी इसका कुछ मीनिंग निकल रहा है क्या ही वॉज वेल्थी ही वॉज अनहैप्पी ऑल दो ही वॉज वेल्थी अब इसको हम पढ़ें यद्यपि वह अमीर था ही वॉज अनहैप्पी ही वॉज वेल्थी यद्यपि वह अमीर था तो हम हिंदी में क्या बोलते हैं फिर भी वह नाखुश था फिर भी वह दुखी था फिर भी वह खुश नहीं था तो स्टिल का मतलब क्या हुआ फिर भी फिर भी वह अनहैप्पी था अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं ऑल दो ही वॉज वेल्थी ही वॉज अनहैप्पी ऐसा नहीं बोल करके इसको स्टिल शब्द से हम पूरा करते हैं इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया राइट ही वॉज वेल्थी और एक डिपेंडेंट हो गया ही वॉज अनहैप्पी अनहैप्पी क्यों अनहैप्पी क्यों तो सवाल आता है कुछ आगे की बात होगी तो ऑल दो ही वॉज वेल्थी ही वॉज अनहैप्पी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कॉम्प्लेक्स क्लॉज सेकेंड कॉम्प्लेक्स क्लॉज whenever prices go up, whenever prices go up, customers buy less products. whenever prices go up, customers buy less product. this independent clause dependent clause whenever prices go up, ये इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है वेन एवर जब भी कीमत बढ़ती है मैं ऐसा बोल के रुक जाऊं तो आप पूछेंगे आपको लगेगा कि मैं कुछ बोलना चाह रहा हूं आगे कुछ इनकम्प्लीट है जब भी कीमत बढ़ती है और मैं रुक गया वेन एवर प्राइस गो अप एंड आई स्टॉप यू विल कीप वेटिंग फॉर मी टू कंप्लीट ए सेंटेंस दैट इज लुकिंग इनकम्प्लीट टू यू यू विल कीप वेटिंग फॉर मी टू कंप्लीट द सेंटेंस बिकॉज इट इज लुकिंग इट अपियर्स टू बी इनकम्प्लीट यू फील दैट समथिंग एल्स आई हैव टू से मुझे कुछ और कहना है तो आप बस वेट करते रहेंगे और मैं कुछ नहीं बोलूंगा तो इस, इसका इस क्लॉज का कोई अर्थ नहीं निकलेगा तो यह हो गया डिपेंडेंट क्लॉज और किस चीज का डिपेंडेंट कस्टमर्स बाय लेस प्रोडक्ट कस्टमर मतलब ग्राहक प्रोडक्ट मतलब माल तो ग्राहक लोग कम माल खरीदते हैं जब भी कीमत कम होती है जब भी कीमत बढ़ती है तो यहाँ पर आपने देख लिया कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है एक डिपेंडेंट क्लॉज है तो जब ऐसी स्थिति हो तो उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस थर्ड एंड द लास्ट एग्जाम्पल इन दिस कैटेगरी वेयर एवर यू गो वेयर एवर यू गो वेर एवर का मतलब वेयर एवर वेयर एवर मतलब जहां कहीं भी क्या होता है जहां कहीं भी वेयर एवर यू गो यू कैन ऑलवेज फाइंड ब्यूटी दिखेगी अब इसमें कौन सा डिपेंडेंट क्लॉज है तुम जहां कहीं भी जाओ तुम्हें सुंदरता दिखेगी डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है जिसका मीनिंग पूरा नहीं होता इस दो सेंटेंस में यह दो क्लॉजेज में कौन सा डिपेंडेंट लग रहा है और क्यों वेयर एवर यू गो विल ऑलवेज फाइंड ब्यूटी यू विल ऑलवेज फाइंड ब्यूटी और वेर एवर यू गो इसमें डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है तो डिपेंडेंट क्लॉज वो होगा जो अपने पूरा अर्थ नहीं दे रहा है एक मैं बोल रहा हूं तुम जहां भी जाओ तुम जहां भी जाओ तो ऐसा करके मैं चुप हो जाऊं तो आप समझ जाएंगे मेरे बोलने का तात्पर्य क्या है कुछ नहीं आपको लगेगा कुछ खाली स्थान बाकी है आपको लगेगा आगे कुछ बात बाकी है उसके बदले दूसरा सेंटेंस देखिए यू विल ऑलवेज फाइन ब्यूटी यू विल ऑलवेज फाइन ब्यूटी तुमको सुंदरता हमेशा मिलेगी ये तो कंप्लीट है सेंटेंस इसमें कोई कमी नहीं लग रही है केवल यही बोलने से भी कुछ अर्थ निकल रहा है पूरा तो ये तो हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज और वेर वर यू गो हो गया डिपेंडेंट क्लॉज वेरवर यू गो हो गया सबॉर्डिनेट क्लॉज यू विल फाइंड यू विल ऑलवेज फाइंड ब्यूटी ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज ये हो गया मेन क्लॉज और ऐसा सेंटेंस जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और एक एक या उससे ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज हो तो वो क्या कहलाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सो डियर फ्रेंड्स वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड थ्रू दीज एग्जांपल्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस तो क्या हम क्लॉजेस के और एग्जाम्पल्स करें यू फील दैट देर इज द मोर वी डू द बेटर इट इज ऑफकोर्स

टू minutes एगो द चाइल्ड वॉज फास्ट ए स्लीप बट he ही इज वाइड अवेक क्या हुआ दो मिनट पहले बच्चा गहरी नींद में सोया हुआ था यह तो हुआ एक सेंटेंस दूसरा नाउ ही इज वाइड अवेक अब वो पूरी तरह से सजग है जगा हुआ है और उन दोनों को कनेक्ट किया है बट से तो ऑब्वियसली ये दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस हैं दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं और बीच में एक कनेक्टर से जुड़े हुए हैं तो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जब कनेक्टर से जुड़ते हैं जब सबॉर्डिनेट से जुड़ते हैं जब कंजंक्शन से जुड़ते हैं तो वे कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं राइट नेक्स्ट आई गेस शी जस्ट डज़ नॉट रिस्पेक्ट यू क्या मतलब हुआ इसका गेस मतलब क्या होता है मैं सोचता हूं गेस करना मतलब अंदाज लगाना सोचना संभावना मुझे ऐसा लगता है आई गेस शी जस्ट डज नॉट रिस्पेक्ट यू मुझे ऐसा लगता है कि वह तुम्हें कतई इज्जत नहीं देती देती कैसे हो गया देता क्यों नहीं बिकॉज शी है शी डज नॉट शी डज नॉट शी इज फॉर फेमिनिन अब यह कौन सा सेंटेंस हुआ आई गैस करके मैं रुक जाऊं तो क्या कुछ अर्थ निकल रहा है शी जस्ट ड नॉट रिस्पेक्ट यू ये तो एक कंप्लीट सेंटेंस है ये बाकायदा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया लेकिन आई गैस से कुछ आई गैस ऐसा कहके मैं चुप हो गया आपको लगेगा आगे कुछ कहना चाह रहा हूं और मैं नहीं कह रहा हूं तो वो डिपेंडेंट क्लॉज हो गया आई गेस शी डज नॉट रिस्पेक्ट यू ऐसी स्थिति में जहां एक डिपेंडेंट क्लॉज है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्या कहलाता है कॉम्प्लेक्स सिमिलरली नेक्स्ट इज वेन ऑल एल्स फेल रीड द मैनुअल जब सब कुछ व्यर्थ हो जाए तो मैनुअल पढ़ लो मैनुअल मतलब क्या होता है मैनुअल एक पुस्तक हैंडी पुस्तक जिसमें काम की चीज लिखी रहती है जिस संबंध में आप पढ़ना चाह रहे हैं वो चीज़ उसमें रहती है मैनुअल सो व्हेन ऑल एल्स फेल जब सब कुछ असफल हो जाए तो किताब पढ़ लो कौन सी किताब जिसमें आप फेल हो रहे हो उसके बारे में सफल कैसे हों यह जानने के लिए उसमें लिखा होगा विवरण यह कौन सा सेंटेंस हो गया कॉम्प्लेक्स ना वाई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वेन ऑल एल्स फेल ऐसा बोल के मैं रुक गया तो पूरा हुआ क्या वेन ऑल एल्स फेल ऐसा यदि बोलता हूं तो कुछ अर्थ नहीं निकलता तो ये तो हो गया डिपेंडेंट रीड द मैनुअल ये कंप्लीट हुआ क्या मैनुअल पढ़ो कंप्लीट हुआ क्या बिल्कुल मैनुअल पढ़ो ये अपने में कंप्लीट है तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज दोनों मिलके क्या बनाए एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नेक्स्ट इट वाज़ सैम हु पेड फॉर द डिनर इट वाज़ सैम हु पेड फॉर द डिनर हिंदी में अनुवाद करिए वो तो वो सैम था जिसने डिनर का पेमेंट किया वो तो सैम था या वो सैम था जिसने डिनर का पेमेंट किया जिसने डिनर का भुगतान किया अब वो सैम था करके मैं रुक गया हु पेड फॉर द डिनर तब जाके वो कंप्लीट होता है तो इट बिकम ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बिकॉज वन इज डिपेंडेंट ऑन दी मेट फ्यू पीपल वी मेट फ्यू पीपल हु स्पोक इंग्लिश इसमें डिपेंडेंट कौन सा हुआ या ये कंपाउंड सेंटेंस है या ये सिंपल सेंटेंस है सिंपल तो है नहीं क्योंकि वी है और हु है दो भर भी हैं मीट और स्पीक तो सिंपल तो है नहीं कंपाउंड है क्या कंपाउंड के लिए ज़रूरी क्या है कि दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हों अस सी वी मेट पीपल हम लोगों से मिले मीट का पास्ट टेंस है मेट हम लोगों से मिले ये तो हो गया पास्ट टेंस एक सेंटेंस पूरा है हम लोगों से मिले स्पीक इंग्लिश मैं केवल आपको बोलूं जो अंग्रेजी बोलते हैं आपको क्या लगेगा कुछ बात अधूरी है या आप बोलोगे कैसा सिरफिरा सिर्फ आदमी है आगे कुछ बोल ही नहीं रहा क्या मतलब हुआ जो अंग्रेजी बोलते हैं हु स्पीक इंग्लिश मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूँ हु स्पीक इंग्लिश मैं कह रहा हूं जो अंग्रेजी बोलते हैं दोज हु इंग्लिश हु स्पीक इंग्लिश मैं ऐसा बोलू तो कुछ मीनिंग निकल रहा है नहीं तो so, ये डिपेंडेंट हो गया ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया डिपेंडेंट क्लॉज किस पर वी मेट फ्यू पीपल पर वो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया वन डिपेंडेंट विथ एन इंडिपेंडेंट मेक्स ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लेट्स कम टू फ्यू मोर एग्जाम्पल बिफोर वी वाइंड अप फॉर दिस रवि कैन बी रूड एट टाइम्स रवि कैन बी रूड एट टाइम्स ही इज ए नाइस बॉय रवि कैन बी रूड एट टाइम्स रूड मतलब बर्ताव में बुरा रवि और कैन भी मतलब सकता है रवि कभी कभी बर्ताव बुरा बर्ताव कर सकता है एक वाक्य हो गया और दूसरा वाक्य है ही इज ए नाइस बॉय ही इज ए नाइस बॉय रवि कैन बी रूड एट टाइम्स ही इज ए नाइस बॉय दोनों पूरे सेंटेंस हैं ही इज़ ए नाइस बॉय वह अच्छा लड़का है बिल्कुल सही कोई कमी नहीं इस वाक्य में लेकिन दोनों को जोड़ना है दोनों इंडिपेंडेंट हैं तो बात तय है कि ये कंपाउंड सेंटेंस हुआ क्या हुआ कंपाउंड सेंटेंस दोनों इंडिपेंडेंट हैं दोनों अपने तय पूर्ण मीनिंग है दोनों का पूरा अर्थ निकल रहा है लेकिन दोनों में संबंध जोड़ने के लिए कनेक्टर चाहिए पाइप के लिए चाहिए था ना कनेक्टर तो दो छोटे छोटे पाइप इतने बड़े बने इतना बड़ा मीनिंग निकल गया ऐसे यहां पर ये दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को जोड़ा हमने कनेक्टर से तो किस क्या कनेक्टर लिया हिंदी में क्या बोलेंगे रवि वैसे तो कभी कभी गुस्सा हो जाता है लेकिन वह अच्छा लड़का है But, but he is a nice boy, right? Next sentence. All the students laughed with the teacher. All the students laughed when the teacher cracked a joke. All the students laughed when the teacher cracked a joke. ये कंपाउंड सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है सिंपल है सिंपल सेंटेंस है सिंपल नहीं है क्योंकि वर्ब एक से ज्यादा है सब्जेक्ट भी एक से ज्यादा है कॉम्प्लेक्स है चलिए देखते हैं कॉम्प्लेक्स है क्या ऑल द स्टूडेंट्स लाफ्ट सभी विद्यार्थी हंसे अर्थ में कुछ कमी है इनकम्प्लीट लग रहा है नहीं पूरा कंप्लीट है और टीचर क्रैक डे जोक क्रैक ए जोक मतलब जोक मारना चुटकुले सुनाना जब टीचर ने चुटकुला सुनाया जब कुछ टीचर ने कुछ चुटकुला सुनाया कंप्लीट है क्या हाँ है टीचर ने चुटकुला सुनाया हमने बोल दिया टीचर करैक्ट ए जोक ये भी बिल्कुल कंप्लीट सेंटेंस है इसका भी अपना वर्ब है इसका भी अपना सब्जेक्ट है तो so, दोनों अपने तई इंडिपेंडेंटली कंप्लीट क्लॉजेज हैं बोथ आर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस नाउ व्हेन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आर कनेक्टेड टुगेदर विद ए कनेक्टर इट बिकम्स ए कंपाउंड सेंटेंस so it is a compound sentence or not yes or no so it is a compound sentence or not all the students laugh when the teacher cracked a joke अब इसमें आप देखने की कोशिश करिए कि dependent sentence और independent sentence की जो मैंने बात की आपको कहीं लग रहा है कि नहीं इनमें से कोई सा एक सेंटेंस इंडिपेंडेंट है और कोई सा एक शायद डिपेंडेंट है देखिए जरा सेंटेंस बनता है ऑल द स्टूडेंट लाफ सभी विद्यार्थी हंसे कब हंसे सभी विद्यार्थी हंसे कब हंसे जब उसने जो किया तब जाके ये पूरा होता है और जब एक डिपेंडेंट सेंटेंस हो डिपेंडेंट क्लॉज हो और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो तो वो क्या कहलाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सो इट इज नॉट ए सिंपल सेंटेंस इट इज नॉट ए कंपाउंड सेंटेंस बट ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नाउ वी कम टू अनदर एग्जांपल, शी इज एन एयर होस्टेस एयर हॉस्टेस मतलब एयर हॉस्टेस मतलब वायुयान में जो परिचालिकाएं रहती हैं जो प्लेन के अंदर सेवा देती हैं सर्विस देती हैं खाने पीने की व्यवस्था हमारी सुरक्षा की व्यवस्था करती हैं शी इज एन एयर हॉस्टेस दे फोर शी हैज सीन मैनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड दे फोर शी हैज सीन मैनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड वह एक एयर होस्टेस है उसने दुनिया में बहुत जगहें देख ली हैं दोनों अपने इंडिपेंडेंट, बिल्कुल कंप्लीट मीनिंग बता रहे हैं वह एक एयर होस्टेस है उसने पूरी दुनिया देख ली है चलिए हम इसको उल्टा बोलें। उल्टे से मेरा मतलब बाद के सेंटेंस को पहले उसने पूरी दुनिया देख ली है और बोले शी इज एन एयर होस्टेस दोनों ही अपने तई बिल्कुल कंप्लीट हैं जब दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस जुड़े तो क्या कहलाए कंपाउंड सेंटेंस जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जुड़ते हैं उपवाक्य जुड़ते हैं जो दोनों इंडिपेंडेंट हों तो उनके जोड़ने पर वो क्या सेंटेंस कहलाएंगे कंपाउंड सेंटेंस नाउ लेट्स कम टू द लास्ट ही किल्ड द टाइगर इजीली ही किल्ड द टाइगर इजिली उसने बड़ी सरलता से टाइगर को मार डाला सब्जेक्ट कितना है एक वर्ब कितना है एक क्या ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है यदि है तो उसमें दो क्लॉस कौन कौन से हैं नहीं दिखता क्लॉस तो एक ही दिख रहा है क्योंकि वर्ब एक सब्जेक्ट एक क्या ये कंपाउंड सेंटेंस है यदि कंपाउंड होगा तो उसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज दिखेंगे यहाँ तो एक क्लॉज नहीं दिख रहा है दो क्लॉज या दो इंडिपेंडेंट की तो बात ही दूर तो ये न कंपाउंड है न कॉम्प्लेक्स है ये सिंपल है क्योंकि इसमें एक वर्ब है और एक सब्जेक्ट है बस सो वी हैव कम टू दिस पॉइंट ही किल्ड द टाइगर इजिली इज अ सिंपल सेंटेंस